ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ। नमस्कार, ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਟੌਪ 10 ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਨਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ 10 ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟਰੱਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਡਾਂਸ ਟੀਚਰ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਇਲਸ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਆਇਲਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਟਰੱਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੜਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਟਰੀ ਸਵਾਰ ਲੜਕੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਟਾਇਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। सूबे च कोविड 19 के मुड़ प्रसार के मद्देनज़र पंजाब पुलिस सांझियां टीमों ने 4400 तो वध फेस मास्क की उलंघना करने वालों RT-PCR टेस्ट करवाने लिए भेजा। इस तो इलावा मास्क ना पहनने वाले 1800 लोगों के चलान भी किए गए। पुलिस ने 12000 तो वध लोगों को मुफ्त फेस मास्क वंडे। एक कदम मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों सूबे में फेस मास्क लाने संबंधी दिए हुक्म तो एक दिन बाद चुकया गया है। पंजाब पुलिस के डायरैक्टर जनरल दिनकर गुप्ता ने सूबा वासियों को अपील की कि वह अपनी अते होर नागरिकां दी सुरक्षा लई फेस मास्क पाउण, समाजिक इकट्ठा समाजिक दूरी दी पालना करन अते भीड़ वालियां थावां ते जाण तों बचण। फिरोजपुर च उस समय गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने मिलिया जदों पुराना बाजार च इक दुकान ते हमला करन दे लई कई हमलावर पहुंचे अते दुकान का सारा समान सुट दिता। उत्थे हमलावरां दे हाथ च बेसबोल अते तलवारां भी सी जिसनों लैके दुकानदारां च काफ़ी रोस पाया गया अते दुकानदारां ने बाजार नूं बंद कर दिता। इस मौके पीड़ित दुकानदार वाइस प्रधान व्यापार मंडल बंटी बजाज ते साबका नगर कौंसल प्रधान अश्विनी ग्रोवर ने कहा कि श्रीआम हमलावरां ने गुंडागर्दी की है जिसके चलदियां बाजार वालियां ने बाजार बंद किया जिसनों लैके उन्होंने कहा कि हमलावरां ते कार्रवाई होनी चाहिए है। फिलौर पुलिस हाथ उस समय वड्डी सफलता लगी जदों उन्होंने अगवा की नाबालग लड़की बरामद कर एक दोषी गिरफ्तार किया गया। इस संबंधी जानकारी देते हुए पुलिस ने दसिया कि पिछले दिन लड़की के परिवार ने शिकायत दर्ज करवाई सी कि उन्होंने लड़की का लवप्रीत वासी अमृतसर फेसबुक से फ्रेंड बनया हुआ सी जिसने उसनों अपने झांसे च फसा के अगवा किया है जिसनों लैके पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर जदों लड़की ते दोषी लड़के की भाल की तो पता लग्या कि उक्त मुंडा लड़की पंजाब के वख-वख हिस्सों लैके घूमता है जिसकी अमृतसर च सूचना मिलने ते तुरंत पुलिस ने लड़की नूं बरामद कर लड़के दा 2 दिन दा रिमांड हासिल किया है। दो सिख नौजवानों द्वारा तेज तार हथियार तलवारा हाथ च लैके प्यो पुत्ते जानलेवा हमला कर गुंडागर्दी करन दी वीडियो इन्हीं दिनी कपूरथला च खूब वायरल हो रही है। इस गुंडागर्दी संबंधी जानकारी देंदे हुए जख्मी कमलजीत सिंह ते करणदीप ने दसिया कि DTO दफ्तर अजीत नगर दे कोल एक छोटी जिही पुली बनी हुई है। उसते हथियारबंद सिख नौजवानों ने अपनी गड्डी खड़ी कर रखी सी जिन्हां नूं गड्डी अगे पिछे करन नूं लैके उस नाल बहस करन लग पे जिस दौरान सिख नौजवानों ने गड्डी चों तलवारा कढ़ के उसते जानलेवा हमला कर दिता अते उसके बेटे के पिछे तलवार लैके मारन लई भज्जे। उसके बेटे ने मसा ही भज के अपनी जान बचाई लेकिन इस घटना बारे पुलिस नूं सूचित करन दे बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जलंधर में कोरोना वायरस बेलगाम हुंदा नज़र आ रहा है जिथे लगातार कोरोना की लपेट च लोग आ रहे हैं। दस दिए कि वख-वख हस्पतालों च इलाज अधीन जिथे 12 होर मरीजों ने दम तोड़ दिता उत्थे 390 लोगों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। जिला सहायक सेहत अधिकारी डॉक्टर TP सिंह ने दसिया कि महकमे ने सरकारी ते निजी लैबोरेटरियों तो कुल 415 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है जिन्हों में 25 लोग दूजे जिलों या सूबों से संबंधित पाए गए हैं। अजनाला विखे BSF ते STF वालों सांझे ऑपरेशन दौरान बैटरी विच बंद करके रखी 7 किलो हैरन बरामद की गई। इस मामले विच पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है तो उन्होंने कोलों 15 लाख की ड्रग मनी भी बरामद की। इस संबंधी जानकारी देंदे हुए SHO ने दसिया कि बीते दिन बरामद हुई हैरन के मामले च उन्होंने वालों पाकिस्तान तो एक खेप मंगवाने वाले विशाल शर्मा प्रभजीत सिंह को काबू कर 15 लाख ड्रग मनी समेत 4 मोबाइल एक गड्डी बरामद की है। फिलहाल पुलिस वालों दोषियों खिलाफ मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई की जा रही है। कोरोना अपने पैर तेजी नाल पसारदा होया नज़र आ रहा है जिस कारण सरकारां वालों लोगों लिए कुछ हिदायतां जारी की गई हैं जिसका पालन करवाने वास्ते पुलिस वालों सख्ती भी की जा रही है पर किसी की मजबूरी समझना भी पुलिस का ही काम होता है। लेकिन ये जो तुसी वीडियो देख रहे हो ये वीडियो कितने ना कितने पुलिस के सवालिया निशान खड़े करती है। दरअसल पुलिस के नाल गाली गलोच करते इस नौजवान ने दसिया कि वह दुकान पर जाके खाण पीण का समान बेचता है
ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਸਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਤੇ ਉਸਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਦਮੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਡੰਡਾ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ। जलालाबाद विखे पंजाब पुलिस भर्ती की मंग नूं लै के संघर्ष कर रहे बेरोजगार नौजवानों का संघर्ष लगातार वधदा जा रहा है। एक पासे पंजाब सरकार दे कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों चार साल दे कीते वादियां दा अपना गुणगान कर रही है कि असी हरेक दे वादे पूरे किए हैं, पर दूजे पासे 2007 दे विच भर्ती किए हुए नौजवान जिन्हों का पूरे तरीके दे नाल टैसट पास किए हैं, जो 2 महीने पुलिस ट्रेनिंग भी कर चुके हैं, जिन्हों अज तक नौकरी नहीं दी गई। 2009 विच कैप्टन अमरिंदर सिंह दे बेटे रणइंदर सिंह ने बठिंडे विच भी उन्होंने आश्वासन दिता सी, पर अज तक नौकरी नहीं दी गई, जिसनों लैके उन्होंने प्रशासन को धमकी दी कि जे उन्होंने मंगा ना मनिया गई तो वह भुख हड़ताल से मरण वर्त पर बैठे। पटियाला विखे माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जो ईटीटी टैट पास बेरोजगार अध्यापक हाथों पेट्रोल दियां बोतलों नूं लै के लीला भवन चौंक स्थित टावर उत्ते चढ़ के अते पंजाब सरकार खिलाफ रोस प्रदर्शन करन लगे। इस दौरान पंजाब सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी की गई। टावर उत्ते पेट्रोल दियां बोतलों लैके चढ़ के अध्यापकों ने आख्या कि जेकर उन्हां नूं कोई जानी माली नुकसान हुंदा है तो इसकी जिम्मेवार पंजाब सरकार होवेगी। सो ये सन अज दी साइंस टीवी टॉप 10 खबरें, फिर तो लैके हाजिर होवांगे कुछ खास खबर। इस दे नाल मिनिस्टर नूं दे इजाजत, धन्यवाद। तुसी देख रहे हो साइंस टीवी न्यूज़ पोर्टल।